सो गाइस फाइनली ओप्पो ने अपना रेनो जेड चाइना में लॉन्च कर दिया है। चाइना में इसकी जो प्राइस रखी है वो 25,000 से स्टार्ट होती है। सो गाइस मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ओप्पो की रेनो सीरीज़ में कि आपको 25,000 के इसकी स्टार्टिंग प्राइस देखने के लिए मिलेगी। जब ये यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया गया था तो इसकी प्राइस 15,000 रुपये थी, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता था। सो गाइस चाइना में भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है, बट आपको प्रोसेसर चेंज होकर देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P90 देखने के लिए मिलता है। सो गाइस ओप्पो का जो रेनो ये सबसे पहला स्मार्टफोन हो गया है जिसमें आपको मीडियाटेक का P90 देखने के लिए मिलता है। सो गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियाटेक का P90 बेकार प्रोसेसर है, बट वो अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 710 से। स्लाइडली बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी मीडियाटेक के P90 में। गाइस इसकी प्राइस 25,000 रुपए काफी ज्यादा रखी है चाइनीज मार्केट के लिए। प्रोसेसर का डिफरेंस देखते हुए मुझे नहीं लगता था कि इसकी प्राइस 25,000 तक जाएगी, बट इंडिया में ये स्मार्टफोन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इंडिया में ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज लॉन्च कर दी है। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि ओप्पो रेनो और ओप्पो का जो 10x जूम वाला स्मार्टफोन होगा वो ही लॉन्च होगा। तो ओप्पो ने अपनी रेनो सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, एक ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 10x जूम वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। बट जो ओप्पो का रेनो है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और जो उसकी प्राइस है वो 31,000 रुपए है, जबकि रियलमी हमें सेम प्रोसेसर 14,000 रुपए में दे रहा है। तो हम 31,000 रुपए क्यों खर्चे इतने महंगे स्मार्टफोन पर? अगर आप सोच रहे थे कि ओप्पो का जो रेनो जेड है वो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, बट आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ओप्पो ने खुद ही अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है ओप्पो का रेनो, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो ये स्मार्टफोन थोड़ा डाउनग्रेड हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको प्रोसेसर अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, जबकि स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत डाउनग्रेड होगी। तो 50-50% चांसेस है कि ये इंडिया में स्मार्टफोन आएगा। सो गाइस इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, 6GB रैम 128GB की स्टोरेज, 8GB रैम 128GB की स्टोरेज। इसमें आपको दो कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, पीछे वाली साइड एक 48 मेगापिक्सल का, एक 5 मेगापिक्सल का। बात करें फ्रंट कैमरा की तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको प्रोसेसर मीडियाटेक का P90 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और ये स्मार्टफोन कलरOS 6 पर बेस्ड है। इसमें आपको एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। सो गाइज यही इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन थी। सो गाइज अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।